कहते हैं कि निवेश हमेशा वक्त जरूर लेता है, लेकिन जब आपको रिटर्न देता है तो वो बहुत शानदार होता है। कुछ इसी तरह का ये स्टॉक है, जिसमें अगर आज आप निवेश प्रारंभ करेंगे तो अगले 2 से 3 सालों के बीच में ये पैसों की बरसात करेगा आपके ऊपर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पूरे पुख्ता रीजंस मैं आपको बताऊँगा। शानदार कंपनी है, शानदार फंडामेंटल्स है कंपनी के, और ये ऑर्गेनिक पिगमेंट और एग्रोकेमिकल सेक्टर की ये कंपनी है। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पिगमेंट सेगमेंट है, एग्रोकेमिकल सेक्टर है, वो फिलहाल तो ज़रूर दबाव में चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये दबाव खत्म होगा ये स्टॉक्स अपनी नई बुलंदियों को छूना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सही वक्त है आपको अगर ख़रीदना है, तो इससे बेहतर समय नहीं होगा। SIP स्टार्ट कीजिए, हर महीने छोटी क्वांटिटीज में खरीदिए, अगले 2 से 3 साल के लिए रखिए और शानदार पैसा बनाइए। दोस्तों ये स्टॉक है मेघमानी ऑर्गेनिक्स का। जी हाँ दोस्तों, मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको क्रिसल की रिपोर्ट दिखाऊंगा। क्रिसल ने ये रिपोर्ट अपडेट किया 21 सितंबर 2018 को, यानी कि रिसेंटली ही, और मेघमानी ऑर्गेनिक्स को क्रिसल ने A+ की स्टेबल रेटिंग दी है, रीअफर्म की है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए A1 की रेटिंग है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अल्टीमेट स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे द रीअफर्मेशन फैक्टर द मेघमानी ग्रुप सीजेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान टू अबाउट 1000 crore to 1200 crore एक्सपेक्टेड बिटवीन फिस्कल 2019 to 2021, विच इज लाइकली टू बी द पार्ट ऑफ फंडेड थ्रू द डेट। इंक्रीज इन डेट इज लाइकली टू मॉडरेट गियरिंग टू अराउंड 1 time एज अगेंस्ट 0.4 times एज ऑन द March 31, 2018। हाउएवर हेल्दी नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग कैश जनरेशन विल हेल्प मेंटेन एडिक्वेट फाइनेंशियल रिस्क। ये कहते हैं इनका डेट जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग 1000 से 1200 crore का एक्सपेक्टेड जो एक्सपेंशन है उनका, वो प्लान है 2019 से 2021 के बीच में, जहाँ पर कुछ इनका डेट इंक्रीज हो जाएगा, बट चूंकि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इनकी नेटवर्थ है, वो बहुत ही हेल्दी है, और जो कैश इंप्रूवमेंट हो रहा है जनरेशन, वो इसके जो फाइनेंशियल रिस्क को उसको मेंटेन करने के लिए इनफ है। क्रिसल विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान एक्सपेंशन स्पेशली एज फंडेड फॉर द प्रोजेक्ट्स आर येट टू बी फुल्ली टाइड अप। तो ये क्रिसल ने दिया है, क्योंकि 19 से लेकर 21 के बीच में ये लोग एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ इनका डेट इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन इनकी नेटवर्थ, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कैश जनरेशन है, वो इनका इतना हेल्दी है कि वो जो डेट बर्डन है वो उसको रिड्यूस कर देगा। ओवरऑल क्रिसल काफ़ी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में A+ की रेटिंग है, और A+ की रेटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। इस वक्त अगर मेघमानी ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं तो 73.7 के रेट पे चल रहा है। यहाँ से जो स्टॉप लॉस है लगभग 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस है, एग्जिट स्टॉप लॉस अगर मैं कहूँगा आपको। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं रख सकते, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 4 से 6 महीने 8 महीने का है, तो मैं आपको 5 रुपये का एग्जिट स्टॉप लॉस बताऊँगा। और यहाँ से अगर ये 69 रुपीज़ के नीचे वीकली क्लोजिंग देता है, 69 रुपीज़ से नीचे वीकली क्लोजिंग देता है, तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जितने भी वो एग्जिट करें और वापस आप 56 से 60 रुपीज़ का वेट करें, आपको 55 से 60 रुपये के बीच में वापस ये स्टॉक दोबारा मिल सकता है। लेकिन जो अभी का जो एट प्रेजेंट अगर करंट सिनेरियो हम देखते हैं, तो 70 रुपीज़ के अराउंड एक बहुत ही बड़ा और मेजर सपोर्ट है इसका वीकली और मंथली चार्ट पे। अभी इसका जो BSE कोड है 532865, NSE कोड MEGH, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल सेक्टर की एक कंपनी है दोस्तों, ओके। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेघमानी ऑर्गेनिक्स की, यहाँ पर ये screenreader.in की साइट है। ROCE देखिए कितनी फैंटास्टिक, 30.11 की ROCE है, ROE 21.67 है। और आप जहाँ PE की बात करते हैं तो बहुत ही लोअर PE पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, केवल 7 का PE है, जबकि जो इंडस्ट्री PE है वो लगभग 29 से 30 के बीच का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री PE लगभग 36 का इंडस्ट्री PE है, 36.44 का। और अभी फिलहाल एट प्रेजेंट कंपनी का जो PE चल रहा है रीसेंट, वो 7.02 का, तो बहुत ही लो PE पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एंड EPS 7.94 का, बहुत ही शानदार EPS है कंपनी का। डेट इक्विटी 0.44, यानी कि लेस देन 0.5 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। करंट रेशियो 2.31। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो आप देखिएगा अल्टीमेट है, 25 के अराउंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लगभग 25 crore 43 lakh शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर इस वक्त। और एट प्रेजेंट कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 73 rupees 75 paise चल रहा है, ओके। मार्केट कैपिटल 1880 crore की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.72, यानी कि बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पर इस वक्त ये स्टॉक अवेलेबल है। 43 rupees के लगभग का इसका जो भी बुक वैल्यू है।
एंड 29th ऑफ अक्टूबर को स्टॉक के कंपनी के जो सितंबर क्वार्टर है, सितंबर तिमाही है, उसके नंबर्स आने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत ही शानदार नंबर ये कंपनी पेश कर सकती है। थोड़ा दबाव हो भी सकता है, रीज़न क्रूड के दाम बढ़े हैं, क्योंकि ये स्पेशली एग्रोकेमिकल और पिगमेंट सेक्टर में काम करती है, जहाँ पर कच्चा तेल एक तरीके से रॉ मटेरियल का काम करता है। तो दबाव हो भी सकता है इस स्टॉक में सितंबर क्वार्टर के अंदर, लेकिन जो भी दबाव रहेगा वो एक शॉर्ट टर्म का दबाव रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की जो ग्रोथ है वो अनटचेबल है, वो अल्टीमेट ग्रोथ रहने वाली है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे अगर हम लोग, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाएंगे प्रॉस कंपनी के जो कहते हैं, वो कहते हैं कंपनी हैज़ अ गुड कंसिस्टेंट ग्रोथ 57.45 इन द ओवर पास्ट फोर ईयर, यानी कि लगभग 57% की ग्रोथ किया लगभग 5 सालों में। हालांकि अगर जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं, तो कंपनी का जो प्रमोटर थे उनका स्टेक लिटिल बिट डिक्रीज हुआ है। ये भी हो सकता है कि कुछ पैनिक मार्केट की वजह से कुछ रिड्यूस हुआ है स्टेक, बट ओवरऑल अभी भी लगभग कंपनी के जो प्रमोटर थे उनके पास 48-50% के आसपास का स्टेक है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ ऑफ 11.24% ओवर द पास्ट 5 ईयर। चूँकि देखिए इनका जो सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पीछे काफ़ी समय से एग्रीकल्चर सेक्टर में दबाव रहा, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, पिगमेंट सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छा और बूमिंग होने की संभावना है। तो ये आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे जो मेघमानी ऑर्गेनिक्स है उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 77 करोड़ है, जो कि सेकेंड हाइएस्ट है आफ्टर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बाद जो सेकेंड हाइएस्ट नेट प्रॉफिट है वो है किसका, मेघमानी ऑर्गेनिक्स का। और क्वार्टर जो क्वार्टरली जो वेरियंस है प्रॉफिट का वो लगभग 77.87% है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि जो सेल्स क्वार्टर का रहा है वो लगभग 476 करोड़ का रहा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कंपनी की, जहाँ पर भी हम फंडामेंटल ग्राउंड पर देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पिछले लास्ट 12 महीने का अगर देखेंगे तो लगभग 25.27% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 12 महीने का। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार रहा है पिछले 12 महीने का 106%, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो पिछले 6 महीने में लगभग 21.6% की रही है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं कंपनी के। आपको इस स्टॉक में SIP जरूर मेंटेन करनी चाहिए, आने वाला वक्त इस स्टॉक के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। यहाँ से जो सपोर्ट लेवल है 69 रुपीज़ का है, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अगर यहाँ तक बाय करते हैं तो 69 का एग्जिट स्टॉप लॉस बना के चलिएगा, क्योंकि अगर 69 टूटेगा तो आपको 56 से 58 का प्राइस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है मेघमानी ऑर्गेनिक्स में। बेहतर होगा कि आप लोग 5,000 क्वांटिटीज़ को हर डिप पे खरीदिएगा, 50 रुपीज़ तक भी आता है तो वो समय आपके लिए बहुत ही उम्दा और शानदार हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जब इसका अपमूव शुरू होगा तो ये अपनी नई बुलंदियों को और अपने जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ते हुए नए हाई भी क्रिएट करेगा आने वाले 2 से 3 सालों के बीच में, और आपको देगा शानदार मुनाफा, शानदार पैसा। तो ये है हमने बात की एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अभी बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर है, और उसका जो फंडामेंटल है, जो फ्यूचर परस्पेक्टिव है वो काफ़ी बेहतर है। 2019 से 2021 के बीच में कंपनी एक्सपेंशन प्लान प्रोजेक्टेड है, और एक बार एक्सपेंशन प्लान लागू हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी उनमें 4 चांद लग जाएंगे, और आपके जो पैसे होंगे, जो आपका मुनाफा होगा, उस प्रॉफिट में भी आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों ये आज हमने बात की मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे जो इस वक्त लोअर लेवल पर है बिकॉज पैनिक मार्केट है, और वो स्टॉक्स आपके लिए खरीदने के लिए बेहतर हैं, तो आपको कहाँ पर खरीदना है। तो जल्दी मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।